हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ अमन काला व्लॉग्स। ठीक है, तो आज है संडे, आज संडे है, तो आज जा रहा हूँ मैं नानी के घर। और नानी के घर जाना है, वहाँ है पूजा वगैरह, मतलब वहाँ हर साल दीवा माँ का एक भंडारा होता है, तो उसमें जा रहा हूँ। तब वहाँ नानी लोग आ रखे हैं, नानी और मामा, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं आज। और तो मौसम और का आज भी वैसा ही, हमेशा की तरह थोड़ा ठंडा सा, और बारिश वगैरह हुई है आज। कल रात को बारिश हुई थी, कल मतलब पूरे दिन लगभग बारिश ही हो रही थी कुछ कुछ टाइम पे, और मौसम कोहरा लगा, देखो कोहरा लगा हुआ है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा थोड़ी देर में, बस पैकिंग करते हैं। चलो कुछ यहाँ से घर की सब्जी वगैरह लेके, तो उसकी पैकिंग करनी है अभी, तो चलो फिर आपको सीधा पैकिंग दिखाता हूँ मैं उसकी, सब्जियों की। सब्जियाँ दिखाता हूँ पहले, तो बहुत सारे घर की सब्जियाँ हैं, ठीक है दिखाता हूँ। चलो ये देखो इतना बड़ा है यार, इतना सा है, ये तो इसकी टोपी है, इतना ही तो बैग है, इतना है बस। हाँ तो तब वो मसाला डालने का है, उसमें एक बारी में ठूस जाएगा, सवा रहेगा भाई। ये है तोरी, मैं तुझे बोलता रहा इसको ले जा, इसको ले जा। यो है करेला, दो दो बैग जी बोके का। इसमें क्या है? मूला। मूला खोलना चाहिए ना? ना ऐसी ठीक है, खोलना क्या है। और यह है भिंडी खेत की। बल्लू जा रहा है घूमने और मेरा तो बैंगन चल रहा है, इसलिए मैं घूमने भी नहीं जा सकता। और यह है तोरी गुदड़ी, गुदड़ी मुरिया। यह है देखो तोरी और गुदड़ी, बिल्कुल भी नहीं खाता है, सिर्फ दिखा रहा है दुश्मन। और यह है चचिंडा, ठीक है, इसमें हरा नमक। और इसमें है पिसावा नमक, इसे पद्या सॉल्ट भी बोलते हैं, पद्या सॉल्ट। अस्तमन, तो फिर हम निकल चुके हैं आप घर से सामान बोरिया बिस्तर लेके, और मेरा बैग दिखाता हूँ मैं तुमको। मेरा बैग, इसी आदमी के सजेशन पे मैं ये बैग ले जा रहा हूँ, इतना बड़ा बैग। और इसमें तुम सोच रहे होगे इसमें कपड़े हैं, नहीं। तुम सोच रहे होगे इसमें कुछ और है, नहीं। इसमें सब्जियां हैं, सब्जी से पूरा रुकसक भर दिया हमने। ऊपर अब रोड पे जा रहे हैं हम, ऊपर वहां से स्कूटी से जाएंगे हम सतपुली, और फिर वहां आएगी हमारी बस जो 10:30 बजे आती है बैजरो की, उसमें जाएंगे हम। सतपुली पहुंच चुका हूं मैं, और गाड़ी का इंतजार आने वाली है। टाइम हो गया है 10:50, 11 बजे तक आ जाती है गाड़ी, आने वाली है तब अभी 5 मिनट में। पौड़ी श्रीनगर की गाड़ी तो आ चुकी है। और ये आती हुई हमारी बस। तो मैं निकल गया था 11:30 बजे बस से, और स्टार्टिंग में तो सीट थी नहीं गाड़ी में, फिर खड़े होकर गया थोड़ा आगे तक 5-7 किलोमीटर, उसके बाद सीट मिल गई थी, सीट भी पीछे की मिली थी। फिर जब मेरे को फ्रंट की सीट मिली तब जाके थोड़ा ठीक हुआ, क्योंकि लंबे रास्ते में सीट प्रॉपर मिले तो सफ़र का मज़ा ही शानदार होता है। बाकी सीट कोई सी भी मिले, पर ये थी कि मिल गई थी बाद में। मैं जाऊंगा रोड से नीचे, और यहाँ से नीचे है मेरी नानी का गाँव, यहाँ नीचे नीचे है। और मैं रोड पे उतर गया हूँ, मस्त मौसम, देर हो गई आज, रास्ते में एक जगह सीन हो गया था तो वहाँ पे उसके चक्कर में देर हो गई। तो अब पहुँचूँगा बस नीचे कुछ ही देर में, यहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता है रोड से नीचे। और बस मौसम देख लो कैसा हो रहा है, कोहरा ही कोहरा, बिल्कुल धुंध छटी हुई है। ये है नानी का गांव गुरफली, और मैंने जाना है वहां पे, इधर जाना है, यहाँ पे है घर।
पैदल का रास्ता और मैं ना। आज मैंने पहुंच तो मैंने कब जानता यार, 3 बजे के आसपास पहुंच जाना था मैंने बैजरो, पर साला रास्ते में हमारे बस वाले ने पोखड़ा साइड एक बकरों की टोली थी तो उनकी एक टोली में से एक दबा दिया पीछे वाले टायर के नीचे, जिसकी वजह से वहां पे मसला हो गया। और वहां पे फिर ऐसी भाई या तो बकरा ले जाओ, वो 5,000 रुपये मांग रहा था बंदा, ऊपर से वो बहरा था वो, तो ऐसे सीन होते रहते हैं। बड़ी देर बाद उसने छोड़ा, तब जाके हम आए, और फिर देर हो गई थी वैसे ही। गुड मॉर्निंग। तो कल तो मैं कर नहीं पाया ब्लॉग को एंड, क्योंकि कल रात को मैं पहुंचा था 6:30 7 बजे तक पहुंचा मैं घर पे, और उसके बाद फिर थकान लग गई थी, फिर थोड़ा खाना फ्रेश होना, खाना वगैरह खाना, तब उस बीच में फिर अंधेरा भी हो गया था और यहाँ लाइट भी नहीं थी उस टाइम पे, तो मैंने व्लॉग एंड भी नहीं किया उस टाइम पे, तब ऐसे ही हो गया, टाल बराई हो जाती है। फिर सुबह आज मैं उठते ही मैंने कहा सबसे पहले व्लॉग एंड कर देता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना। और मौसम फिर वही, अभी सुबह उठा, अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा 6:30 हो रहा है, तो बाकी चीज़ सुबह बारिश हो रही थी, जैसे उठ के बाहर आया तो सुबह सेट बारिश हो रही थी, और फिर रुकी बारिश, तब जाके अब थोड़ी बारिश रुकी हुई है, और ऊपर भजन चल रहे हैं वहाँ देखो। अब ये है गांव, तो ऐसे है उस छाल पे और इस छाल पे भी हैं 4-5 घर इस छाल है, बाकी घर उस छाल है, पूरा वहां से वहां ऊपर तक है पूरा गांव, तो ये मेरी नानी का गांव इस साइड है, यहाँ से पूरे गांव का व्यू दिखता है, और ये ऊपर रोड है। मौसम देख लो बादल वाले और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए, कोई भरोसा नहीं कब बारिश आ जाए, तो इसलिए मस्त आजकल मौसम ही ऐसा है कि बारिश कभी भी आ सकती है। बाकी बस नज़ारे का लुत्फ उठाओ, और इतना ही था व्लॉग में, इस व्लॉग में, और बाकी कुछ होता है आगे तो अगला व्लॉग बनाऊंगा, है आगे वैसे बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं आगे भी, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो उसके लिए अपडेटेड रहना। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और भी पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो जैसे ही मैं डालूं यूट्यूब देखने से पहले तुम देख लो मेरी वीडियो, ठीक है, इससे पहले यूट्यूब को पता चले वीडियो आई है तुमको पता चल जाए, समझ रहे हो। बस फिर एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे, अब इसके बाद का हम अगले व्लॉग के लिए करेंगे कुछ, तब तक के लिए गुड बाय।